Hello guys, welcome back to my online classes, and today we will discuss about PowerPoint presentations. In this we will discuss customize the background color and how to add your background color, style and other things in the background of your slides. तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप आपका आ जाता है वो है ऐड बैकग्राउंड स्टाइल्स टू योर प्रेजेंटेशंस, कि आप किस तरीके से जो है अपने जो बैकग्राउंड है स्लाइड का वो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं. ओके, तो हम चलते हैं यहाँ पर. तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने अभी सिंपल स्लाइड यहाँ पर यूज़ की है. आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि चूज योर स्लाइड जहाँ पर भी आप अपने जो है डिज़ाइन इसमें ऐड करना चाहते हैं. गॉट इट. तो यहाँ पे जैसे ही आप डिज़ाइन मेन्यू में जाएंगे यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ शो हो रहे हैं. थर्ड स्टेप हमारा आता है कि क्लिक ऑन द एरो बटन. यहाँ पर आपको ये थीम दिख रही है, यही हमारे डिज़ाइंस है. जैसे आप एरोस पे क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आपको मल्टीपल्स जितने भी डिज़ाइंस है वो आपको शो हो जाएंगे. जो भी डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है इसमें से आप उस डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने ये डिज़ाइन चाहिए या फिर आपको ये डिज़ाइन चाहिए, तो आप इनमें से कोई भी एक डिज़ाइन क्या है चूज़ कर सकते हैं. गॉट इट. फर्स्ट स्टेप आपके पास ये था. ओके, तो सेकंड आपके पास आ जाता है सेट अ सॉलिड कलर बैकग्राउंड फॉर योर प्रेजेंटेशंस. तो आपने इसमें करना क्या है, आपने सिंपल जो आपकी जो भी आपने जिस भी स्लाइड पे आपने कलर सॉलिड कलर अप्लाई करना है उसको चूज़ करिए. फिर आपने डिज़ाइन पर जाना है, डिज़ाइन पे जाके आपके पास जो भी स्टाइल्स है उस पर क्लिक करना है. जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पर बैकग्राउंड स्लाइड्स स्टाइल्स आ जाएगा. बैकग्राउंड स्टाइल में से आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड चूज़ करना है. फॉर्मेट बैकग्राउंड के लिए आप यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं. तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सॉलिड फील्ड को चूज़ करना है. सॉलिड फील्ड में यहाँ पर आपके पास कलर्स आ जाते हैं. इसमें से जो भी सॉलिड कलर आप इसमें यूज़ करना चाहते हैं उस कलर को आप अप्लाई कर दीजिए यहां से. गॉट इट. एंड नेक्स्ट वन इज योर यूज अ पिक्चर एज अ स्लाइड बैकग्राउंड, कि आप किस तरीके से अपने जो स्लाइड है उसमें आप अपने बैकग्राउंड में पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं. तो आपने वही चीज़ है, आपने ब्लैंक जो है स्लाइड चूज़ करनी है. उसके बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है या फिर आप स्टाइल में जाइए. स्टाइल में क्लिक करके बैकग्राउंड स्टाइल में जा सकते हैं, वहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड, और वहाँ से आपको फिल नज़र आ रहा है. फिल में से आपने पिक्चर एंड टेक्सचर्स फिल को चूज़ करना है. जैसे आप चूज़ करेंगे यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है. अगर आपने यहाँ से पिक्चर चूज़ करनी है तो आप पिक्चर भी चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से अगर आपने सिंपल जो है आपके पास जो भी आपके क्लिपबोर्ड है या फिर आपने फाइल यहाँ से उठानी है. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से फाइल उठा ली और यहाँ मैंने कंप्यूटर की फाइल उठा ली एंड इंसर्ट. तो क्या है हमारे पास जो भी बैकग्राउंड है उसमें जो क्या है हमारे वो पिक्चर ऐड हो जाएगी. ओके, टेक्सचर फिल में क्या होगा, सिंपल कोई टेक्सचर होगा वो फिल हो जाएगा आपके पास. क्लिपबोर्ड से भी आप उठा सकते हैं पिक्चर्स, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है. ये मेरा लोगो है, ये लोगो पूरा इसमें सेट हो गया है. आप और भी इसमें पिक्चर्स यूज़ कर सकते हैं. गॉट इट. ये देखिए यहाँ पर टेक्सचर्स है, जो भी टेक्सचर आप यूज़ करना चाहते हैं, जिस भी तरीके का टेक्सचर आप यूज़ करना चाहते हैं. तो ये सिंपल स्टेप्स है और बहुत इजी है, आपको रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आपने करना क्या है, सिंपल वन बाय वन जो मैं स्टेप्स आपको बता रही हूँ वो आपने फॉलो करने हैं. ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कस्टमाइज अ ग्रेडियंट बैकग्राउंड फॉर योर प्रेजेंटेशंस, कि हम किस तरीके से, ग्रेडियंट होता है मिक्सचर ऑफ अ कलर, कि आप दो कलर को यूज़ करके या फिर आप एक तरफ को फेड कर देते हैं, दूसरी तरफ क्या है वो काफ़ी डार्क रहता है, वो क्या हमारे ग्रेडियंट होता है. यानी कि आप ग्रेडियंट कलर को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने बैकग्राउंड में. ओके, तो उसके लिए करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू एड अ न्यू स्लाइड, और आपके पास ये ब्लैंक है. देन आपने जाना कहाँ है, डिज़ाइन पर. डिज़ाइन के बाद फॉर्मेट बैकग्राउंड. फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपने जाना है यहाँ पर ग्रेडियंट फील्ड पे क्लिक करना है. ओके, तो ग्रेडियंट अभी जब मैंने चूज़ किया तो इसमें बाय डिफॉल्ट जो है स्काई ब्लू कलर इसमें चूज़ हुआ है. तो आप कर क्या सकते हैं, यहाँ से आप ग्रेडियंट जो है वो कलर आप चूज़ कर सकते हैं. ये देखिए यहाँ से जो भी कलर आपने चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं कि कितना आपको यहाँ से इसको थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करना है. तो यहाँ से आप कर सकते हैं ग्रेडियंट स्टॉप से, और कलर यहाँ से अलग अलग तरीके के आप चूज़ कर सकते हैं. जो भी कलर आपको अच्छे लगते हैं। आपने रेड चूज करना है, रेड यूज कर सकते हैं। आपने न्यूट्रल कलर यूज करना है, आप न्यूट्रल कलर यूज कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस तरीके से क्या है, अपने आप ग्रेडियंट को यूज कर सकते हैं। आपको टाइप आ जाता है कि किस तरीके, लीनियर मीन्स कि लाइंस में, यानी कि हॉरिजॉन्टल तरीके से क्या है, जो भी आपने कलर चूज किए हैं वो आपके शो होंगे। अगर आप जैसे ही रेडियल मीन्स सर्कल में, ये देखिए सर्कल में क्या है आपका ये कलर मूव हो जाएगा। रेक्टेंगल में रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएंगे, और ये पाथ में शेड फ्रॉम अ टाइटल, यानी कि टाइटल से शेड आप कैसे किस तरीके से इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी यूजफुल है आपकी प्रेजेंटेशंस के लिए, जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे। ओके, तो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक कर लोगे, क्या है यहाँ पर ये देखिए आपके पास, आप अच्छे तरीके से अपने अलग अलग तरीके से आप अपनी स्लाइड के बैकग्राउंड को ऐड कर सकते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाता है ऐड टेक्सचर बैकग्राउंड, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। आपने करना क्या है, यहाँ से न्यू स्लाइड लीजिए, या फिर जो भी आपकी ब्लैंक स्लाइड है जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। देन आपने डिजाइन पर जाना है, डिजाइन के बाद आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाना है। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ यहाँ जाना है आपको। काफ़ी मुझे लगता है कि इंग्लिश का बोल रहे बच्चे, तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है मुझे बताइए आप, मैं किस में टीच करवाऊँ। तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, आपने फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आपने यहाँ पर पिक्चर और टेक्सचर फिल, ये इकट्ठा ही है। अगर आपको यहाँ से पिक्चर चूज करनी है तो आप यहाँ से, ये जो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम, वहाँ से फाइल से आप अपनी पिक्चर उठा सकते हैं। गॉट इट। वो मैंने पिक्चर वाला आपको बता दिया था। टेक्सचर में क्या है, टेक्सचर में आपने यहाँ पर ये टेक्सचर आपको शो हो रहा है, यहाँ से ऐसा कीजिए आप, इसको थोड़ा सा लेंथ कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर आपको क्या है, टेक्सचर शो हो रहा है। यहाँ से आप जैसे क्लिक करोगे एरो पे, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के क्या है आपके पास टेक्सचर्स शो हो जाएंगे। इनमें से आप कोई भी टेक्सचर जो है, जो भी आपने यूज़ करना है वो टेक्सचर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाली स्लाइड और ये हमारा दोनों का बैकग्राउंड सेम है। गॉट इट। यानी कि हमने इसमें टेक्सचर अप्लाई किया है, ये देखिए इस तरह के टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट। दैट इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने इस तरीके से क्या है अपने बैकग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप अपना वाटरमार्क यूज़ करते हैं तो आपको कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई नहीं करना है, बिकॉज आपका वाटरमार्क है फिर वो उसमें शो नहीं होगा। ओके, ये आपके लिए लास्ट में टिप्स था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक और शेयर करना ना भूले। ओके, थैंक यू।